जब देखोगे ये बेसन के आलू तो लगेगा आज ही बना के खा लूं। आज हम बेसन के आलू की सब्जी बनाएंगे। जब कभी आपके पास ताजी सब्जी ना हो या आप सब्जियों में कुछ चेंज चाहते हैं तो बेसन के आलू ट्राई करें। बेसन के आलू बहुत ही लाजवाब सब्जी है। जैसी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज्यादा खाने में स्वादिष्ट है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बेसन के आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बेसन की आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन से आटा गूंथकर तैयार करेंगे। आटा गूंथने के लिए 1 कप यानी 125 ग्राम बेसन लीजिए। बेसन में 1/4 छोटा चम्मच नमक डालिए, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, अजवाइन को हल्का सा क्रश करके डालिए, इससे अजवाइन का फ्लेवर अच्छा आता है। 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच तेल और 4 छोटे चम्मच दही डालिए। आप सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कीजिए। आटा गूंथते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, इसमें पानी बहुत कम लगता है। डो गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आलू बिखर जाएंगे, और इसका आटा सख्त भी ना हो, नहीं तो आलू कड़क बन जाएंगे। इसके लिए सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे, जैसा कि हम रोटी या पराठे के लिए तैयार करते हैं। बेसन के आलू के लिए सॉफ्ट डो तैयार है, और इतने आटा गूंथने में मैंने 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। अब आटे को ढककर 10 से 15 मिनट का रेस्ट टाइम दे दीजिए। 10 मिनट हो गए हैं, आटा सेट हो गया है। अब हम इससे आलू बनाएंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, हाथों को चिकना कीजिए। इसके बाद आटे को 2-3 मिनट तक मसल लीजिए। जरूरत अनुसार हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाते जाइए, तेल लगाने से आटा हाथ में नहीं चिपकेगा। अब आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। आटे को नींबू से भी छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, और अब हम इन टुकड़ों को गोल करते हुए आलू का आकार देंगे इस तरीके से। इसी तरह से सभी आटे के आलू बनाकर तैयार कीजिए। जब तक हम बेसन के आलू बनाकर तैयार करेंगे तब तक गैस पर पानी उबलने के लिए रख दीजिए। 1 गहरे बर्तन में 2 गिलास करीब 1/4 लीटर पानी लीजिए और इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख दीजिए। बर्तन को कवर कर दीजिए, इससे पानी जल्दी उबलने लगेगा। अब हम सारे आलू बनाकर तैयार करेंगे। बेसन के आलू बनकर तैयार हो गए हैं, अब इन्हें उबलते पानी में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। अब बेसन के आलुओं को एक एक करके उबलते पानी में डालिए। ध्यान रहे कि सारे आलुओं को एक साथ ना डालें। अगर आप आलू को एक साथ डालेंगे तो पानी में उबाल आना बंद हो जाएगा। पानी में लगातार उबाल आते रहना चाहिए, नहीं तो बेसन के आलू फूट सकते हैं। बेसन के आलुओं को उबलते हुए पानी में डालने के बाद तेज आंच पर इन्हें 12 से 14 मिनट तक उबाल लीजिए। आलू को ढके नहीं तो आलू फूट सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, आलू बहुत अच्छे से उबल गए हैं। गैस बंद कर दीजिए, बेसन के आलू को पानी में से निकाल लीजिए। अब ये बचा हुआ पानी आप तरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे साइड में रख दीजिए। अब बेसन के आलू की ग्रेवी बनाकर तैयार करें। इसके लिए पैन गरम करें और 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालिए। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग डालिए। आंच एकदम धीमी रखेंगे। इसके बाद 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालिए और प्याज को हल्का गोल्डन होने तक भून लीजिए। प्याज भूनने के बाद इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। इस तरह से डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप बिना कसूरी मेथी के भी आलू की सब्जी बना सकते हैं। मसालों को 1 मिनट तक भून लीजिए। इसके बाद मैंने 4 बड़े टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन की कलियों को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम ये पेस्ट डाल देंगे। अब हम इन मसालों को
मीडियम या लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक ये मसाले किनारे से तेल ना छोड़ दें। थोड़ी थोड़ी देर में मसाले को चलाते जाएं ताकि मसाला तली पर ना चिपके। मसाले ने साइड से तेल छोड़ दिया है, मसाला भूनकर तैयार हो गया है। अब आंच एकदम धीमी कर दीजिए और इसमें 4 बड़े चम्मच गाढ़ा फेंटा हुआ दही डालिए। ध्यान रखें कि दही डालने के पहले आंच एकदम धीमी कर लें, नहीं तो दही फट सकता है। अब दही को मिक्स कीजिए और इसे लगातार चलाते हुए फिर से तब तक भूनिए जब तक मसाले फिर से तेल ना छोड़ दें। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब हमने जो पानी बचा कर रखा था वो डालेंगे। मैंने इसमें 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद से ग्रेवी को पतला या गाढ़ा रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखिए, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब आप इसमें बेसन के आलू डालेंगे तो आलू ग्रेवी को सोख लेते हैं और फिर सब्जी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। ग्रेवी में उबाल आने के बाद इसमें बेसन के आलू डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच नमक डालिए, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स कीजिए और फिर सब्जी को ढककर 3 से 4 मिनट तक तेज आंच पर पका लीजिए ताकि आलूओं के अंदर सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं। 4 मिनट हो गए हैं, सब्जी बनकर तैयार है। गैस बंद कर दीजिए। अब सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए और हरी धनिया से गार्निश करके सर्व कीजिए। इतनी बेसन के आलू की सब्जी परिवार के 3 से 4 सदस्यों के लिए पर्याप्त। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी या टिप्स के साथ।